भाई ने कह दिया है कि कल निकाह नहीं होगा बल्कि अगले हफ्ते निकाह और रुखसत के साथ करेंगे। ये तुम मुझे अपने निकाह में इनवाइट कर रही हो या खुशखबरी सुना रही हो? पागल हो गए हो? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमारे पास कुछ वक्त और आ गया है, प्लीज कुछ कर लो। तुम क्या करोगे? कमरे में जाके चुप जाओगी? हाँ, और अगर मैं दिल बढ़ा करके तुम्हारे भाई से रिश्ता लेने आता हूँ भी तो क्या होगा? ये नया भाभी हॉस्पिटल क्यों आई? गुड्डू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हमारे भाई और भाभी के डॉक्टर ने कहा था कि गुड्डू की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, माँ का साथ होना जरूरी है, सिर्फ इसलिए भाभी हॉस्पिटल गई है। सित्रा, क्या तुम मेरे साथ दोगी? मरते दम तक। मैं जीने की बात कर रहा हूँ, तुम मरने की बात कर रही हो? मेरा जीना और मरना तुम्हारे साथ ही है मुनीम। तो फिर अपने दिल में बहुत सारी हिम्मत पैदा कर लो, क्योंकि अगर तुमने इस बार बुजदिली दिलाई ना तो जीना तो दूर की बात, मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी। अच्छा, मेरी बात ऊपर से सुनो। नहीं भाई, मैं रुकूंगी गुड्डू के पास, मैं इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, बल्कि जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तब भी मैं इसे साथ लेके आऊंगी। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, तो आप ऊपर आ जाए ना। नहीं, अभी कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, चले। ओके, इबाद, गुड्डू जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ ठीक। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, 2-3 टेस्ट हुए हैं, कल सुबह तक रिपोर्ट आएगी। अगर रिपोर्ट अच्छी आ गई तो तसल्ली की बात होगी। इंशाल्लाह मेरा बच्चा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे माशाल्लाह अब तो पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। तुम घर चले जाओ, कुछ आराम कर लो। घर? हाँ, तुम्हारे भाई आए ना बाहर लेने के लिए, तुम घर जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। नहीं नहीं, मैं गुड्डू के पास ही रहूंगी, मुझे इसी के पास आराम मिलता है। भाई ऊपर आ जाएंगे। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम इसे मेरी खुद गर्जी कहो या कुछ और, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। मतलब तुम्हें अभी इसकी देखभाल करनी है ना, जब तक ये हॉस्पिटल में है। ये बात, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करें। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रही, बस मुझे मेरे गुड्डू के पास रहने थे। अरे वही गुड्डू को तुमसे नहीं छीन रहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी कुछ दिन इसको यहीं रहना पड़ेगा। अभी घर जाओगी, अपनी नींद पूरी करोगी तो रात यहाँ पर तसल्ली से गुजार सकोगी। बस यही चाह रहा हूँ कि तुम जाकर थोड़ी सी नींद ले लो और फ्रेश हो जाओ। तो मैं रह लूंगी ना? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? सोहेल भाई की बार बार कॉल आ रही है, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें घर ले जाएंगे ना अभी। बात प्लीज। अरे पापा, गुड्डू की नींद पूरी होने तक तुम वापस आ जाना, रात में मैं भी घर जाके आराम करना चाहता हूँ। और सच ये है कि तुम गुड्डू के पास होगी ना तो मेरे दिल को तसल्ली रहेगी कि सब ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी जाकर आराम करना होगा। जा।